फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने यू टर्न लिया या आप फिर इस्लाम को आपने छोड़ दिया? क्या वो चीज हुई और कैसे हुई और कैसे आप बाहर निकली फिर इससे? जैसे कि मैं बोल रही थी कि आफ्टर फ्यू इयर्स, जैसे आई गेस माय सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम, मैंने फिर मैट्रिमोनी को मतलब मैं सीरियसली लेने लगी. बिकॉज स्टार्टिंग के 1-2 साल तो यू नो आई वाज जस्ट लर्निंग अबाउट के हाउ इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ एंड ऑल. देन ऑफ कोर्स मेरी एज बढ़ते जा रही थी एंड आई वाज अनमैरिड बाय द वे. तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर ग्रूम्स एंड सडनली ऐसा हुआ कि मैं कैसे समझा, मतलब आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन कि मैं रिवर्ट हूँ तो यू नो मेरे को इजिली मिल जाएगा कोई भी. आई एम एजुकेटेड, आई एम यू नो वट एवर द रीजन्स आर, आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन कि मुझे मिल जाएगा मुस्लिम रिवर्ट जो भी है मुझे मिल जाएगा. बट टू माई सरप्राइज ऐसा हो रहा था कि कुछ बॉर्न मुस्लिम फैमिलीज उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं रिवर्ट्स के इसमें नहीं आना चाहिए, यू नेवर नो, यू के नॉट ट्रस्ट देम एंड ऑल. एंड फिर मतलब बेसिकली ये जर्नी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी टू फाइंड अ ग्रूम. बिकॉज सी नंबर वन यहाँ पे ना कोई मेरा मुझे हेल्प करने वाला नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही नहीं थे मेरे साथ. एंड वट एवर जो भी मुझे करना था सब खुद से करना था, मतलब इंक्वायरी हो जाए. अभी सी दिस इज वेरी दिस वॉज वेरी न्यू टू मी. आई डोंट नो कि जो भी रिश्ता आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ रहता है. जो नॉर्मल एक कोई भी मैट्रिमोनी प्रोसेस में होता है कि आप पेरेंट्स यू नो इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं आस पड़ोस में कि कैसा है लड़का कैसा है लड़की, तो ये सब मेरे केस में आई डिड नॉट नो हाउ विल आई गो अबाउट इट. तो आई वॉज फेसिंग अ वेरी रफ टाइम इन दिस. सो बट आई डिड नॉट लीव होप, मैं करते जा रही थी. तो वाया वाया ऐसे रिवर्ट्स को, हम लोग का पूरा एक कम्युनिटी था तो हम लोग एक दूसरे को बोलते थे कि यहाँ पे ये भी सिंगल है, इसके लिए भी ढूंढना है, उसके लिए भी ढूंढना है. तो मुझे एक प्रपोजल आया एंड वो प्रपोजल थोड़े फेमस पर्सनैलिटी का था. ही वॉज नॉट अ नॉर्मल मुस्लिम, ही वॉज प्रीचर यू कैन से. और उनका जब बायोडाटा मुझे एक आया उनके ही फ्रेंड के थ्रू, तो वो बायोडाटा में डिटेल्स मतलब जो स्क्रिप्ट वो कम थी, पूरा कोलाज था पिक्चर्स का. एंड थ्रू दैट मतलब वो जो कोलाज था पिक्चर्स का उनके उनका वो जो बायोटा था दैट गेव मी अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन के उनका यूट्यूब पे चैनल होगा ही. लेट मी जस्ट सर्च अबाउट हिम, हाउ इज ही एज अ पर्सन. एंड यू नो वो कोलाज में पूरा ऐसा था, वो माइक लेके खड़े हैं एंड ऑल. तो एक इम्प्रेशन ऐसा मुझे आ गया था कि लेट्स सर्च हिम ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा मुझे उनका पता चलेगा यू नो बिफोर आई मूव अहेड. तो मैंने उनका सर्च किया एंड आई आई सर्च हिम एंड आई द वेरी फर्स्ट वीडियो आई सॉ that person is debating with you. And वो जो conversation जो हो रहा था He was debating with me. he was debating with you. और जो conversation हो रहा था ना, तो उसमें see that time I was a Muslim, right? तो मुझे ऐसा हो रहा था कि यार ये मुस्लिम होके why is he talking nonsense? Because मैं खुद ये चीज मैं वो जो भी टॉपिक के बारे में जो डिबेट हो रहा था, सो आई वाज बेसिकली ऑन योर साइड, आई वाज रेजोनेटिंग विद व्हाट एवर यू वर सेइंग. तो मैं काफी रिलेट कर पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक्स मुस्लिम होके इतने समझदार बात कर रहा है. और वो जो मुस्लिम था जिसका मुझे प्रपोजल आया था, आई वाज सो ऑफ. मतलब मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस गाय. बट देन दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन योर यूट्यूब का प्रोफाइल. एंड बाय द वे अगर एक्स मुस्लिम्स के ऐसे बहुत सारे पहले भी माई मॉम यूज टू टेल मी ना, देख देख ये मुस्लिम छोड़ के ये धर्म में आ गया है, तू भी सोच ले. तो मेरी मॉम मुझे बहुत ऐसे वॉर्न करती थी और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज है ऑलरेडी जो यू नो इस्लाम छोड़ा है, तो मैं ये सब पे मैं ध्यान नहीं देती थी. बट ये जो कॉन्वर्जेशन आप दोनों का हुआ ना, दैट वॉज सो इंट्रीग्ड एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन योर प्रोफाइल. एंड देन आप जो वीडियोज पुट आउट करते थे, थैंक्स टू दैट यू सेव्ड माई लाइफ. जैसे रिसर्च के टाइम पे मैं एक के बाद एक, जैसे मैं जाकिर नायक के वीडियोज देखती गई, वैसे अभी रिवर्स अभी आपका हो गया. मतलब आई यूज टू वॉच योर वीडियोज.
एक के बाद एंड यू व्हेनेवर आई सो द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज आपका जो वो इंडिया इंडिया टीवी पे जो शो था I watch that episode and you gave authentic references. So again, the logical side of me is के चलो authentic references दे रहा है तो चलो I'll give a look. तो मैंने फिर उसको cross check भी किया suna.com से and because of that video और फिर आपका one of the shorts एक shorts मैंने YouTube में देखा था कि actually Muslims में खराबी नहीं है problem Islam में I really could connect because ये 6 साल में मैंने जितना भी इल्म लिया मैंने जितने भी एक्सपीरियंस किए वो सारा मैं कनेक्ट कर पा रही थी और आहिस्ता 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 फिर फाइनली मैंने आपको एक दिन मेल किया कि आई हैव लेफ्ट इस्लाम एंड या दिस इज माय जर्नी तो गाइस जस्ट इमेजिन अभी एक मस्त कमेंट भी आया था कि इनकी शादी जो है वो मेरी वजह से रुक गई सो लकीली उस बंदे के साथ मेरा जो है वो डिस्कशंस ऑन एंड ऑफ चालू था और उसी की सर्च में टीना जी जो है वो यूट्यूब पर आई और लकीली कोइंसिडेंस ही समझ लीजिए आप लोग कि उनको मेरा वीडियो मिल गया वरना ये वरना ये टीना जी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ भी फंस जाती और हो सकता है कि इस्लाम से बाहर ही नहीं निकलती तो ये अब देखिए कि हमारी वीडियोस का इफेक्ट क्या हो रहा है और ये लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है आप सोचिए एक वीडियो हो सकता है कि किसी की जिंदगी बचा ले बर्बाद होने से एक वीडियो अगर आए तो उसकी हो सकता है वो देख ले तो उसकी जिंदगी बच जाए तो ये हाल हुआ है इनके साथ टीना जी के साथ बट लकीली उन्होंने जब वीडियो देखा तो आप कंटिन्यूअसली टीना जी देखती गई मेरा वीडियो फिर और आपने और भी लोगों के वीडियोस देखे तो फिर क्या लगा आप ये जो कर रही थी आपको बेवकूफी लगी या नहीं लगी या क्या कुछ सोचा आपने नो उसके बाद मतलब व्हेन आई रिफ्लेक्टेड आप जो भी शेयर कर रहे थे इस्लाम बेसिकली सी मेरे सामने जो प्रेजेंट किया गया था वो सब सॉफ्ट साइड ऑफ इस्लाम था जिसके वजह से मैं 6 साल टिकी यू नो जो भी मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे दे विल ऑल प्रेजेंट द सॉफ्ट साइड ऑफ इस्लाम की एनिमल्स है उनको उनको उनका केयर करो पानी पिलाओ एंड ऑल दीज थिंग्स मतलब ये तो सिर्फ एक आध चीज में बोल रही हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो साफ साइड में कोई भी अगर सुन लेना तो यू विल फील कि हाँ इस्लाम में अच्छी बातें भी है इट्स जस्ट नॉट ब्लैक साइड बट आपके थ्रू आई गॉट टू नो द डार्क साइड ऑफ इस्लाम विच वॉज नेवर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी तो वो जब मुझे समझ में आया एंड प्लस मेरा भी एक्सपीरियंसिस 6 सालों में थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा डाउट आने लगा था बट आई डिड नॉट पे हीड मैंने उस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया तो जब आपने मुझे ये पूरा व्हेन थ्रू योर वीडियोस व्हेन आई केम टू नो कि ओके इस्लाम हैज अ डार्क साइड आल्सो तो उसके बाद आई वाज लाइक के आई नीड टू सी स्टिल आई एम नॉट मैरिड अभी तक मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं कराए थे रिवर्जन ऐसे कुछ भी मैंने आई वॉज जस्ट फॉलोइंग इस्लाम और मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी थी तो आई वाज लाइक के आई शुड थिंक अबाउट इट एंड यस देन दिस इज व्हाट मेड मी लीव इस्लाम एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट व्हेन आई वाज लीविंग इस्लाम बिकॉज यू प्रेजेंटेड यू नो ऑथेंटिक हदीसेस एंड एवरीथिंग ओके तो कई सारे लोग जो है मुझे इतनी हंसी आ रही है कई सारे लोग यानी लोगों का दिमाग देखिए सब वो क्या बोलते हैं अटकलन कहते हैं ना अटकलन लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो बंदा था कौन कोई कह रहा है तस्लीम रहमानी कोई सैम स्टेलोन कोई कोई मोहम्मद सलमान कोई इलियास शराफुद्दीन कोई अलग अलग लोग जो है अलग अलग अपना दिमाग चला रहे हैं कमेंट में कि वो बंदा था कौन ऐसा no, थोड़ा बहुत let's create a suspense, let them guess. Yeah, let's keep it a secret because वो नाम भी बता देते हम लेकिन problem ये है कि we don't want के
टीना जी को कोई सिक्योरिटी इशू हो, थ्रेट्स मिले, क्योंकि मैं उनके थ्रेट में, मतलब मैं उनके निशाने में आ जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट के मेरे वजह से टीना जी को कोई प्रॉब्लम आए. तो वो बंदे को पता चल गया तो जरूर, तो पहले से ही मुझे वो पसंद नहीं करता है, गालियां देता है, तो पता चल गया कि भाई ये तो इसने ऐसा भी कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरी शादी रुक गई, तो वो पागल हो जाएगा एकदम. एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मी बाय द वे, ये मैंने आपको बोला. अरे यार ये तो हद हो गई, अब तो वो तो जहर का प्याला पी लेगा मेरे नाम से. फ्री माइंड जी कह रहे काश मोदी एंड अमित शाह भी साहिल के वीडियोस देखते. बहुत बहुत शुक्रिया फ्री माइंड जी. ओके तो टीना जी, जितना लोग जो है परेशान हो गए थे आपकी बात सुन सुन के कि यार इसने ये क्या कर दिया, ये क्या यार, इसका दिमाग ही नहीं चल रहा था, सब कुछ उन्होंने बोल दिया, फाइनली उनको रिलीफ मिला कि भाई इतना सब करने के बाद फाइनली ये बाहर आ चुकी है, तो अब आपकी क्या सोच है और घर वालों को आपने ये डिसीजन बताया कि आप इससे बाहर निकल गई है, एंड व्हाट इज देयर रिएक्शन, क्या है? सो द फर्स्ट फैमिली मेंबर जिनको मैंने बोला था वाज माय मॉम, बिकॉज़ ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स बहुत डिसहार्टन थे, बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, बट एट द सेम टाइम दे न्यू के ये लड़की आगे बढ़ चुकी है, अभी स्टबन हो गई है, शी इज नॉट गोइंग टू लिसन. बट जब मैंने ये जब रिसर्च किया, आई डिड नॉट टेल टिल देन, आई वॉन्टेड टू रीच अ फाइनल डिसीजन और फिर ही मुझे वो चीज डिक्लेयर करनी थी, तो मैंने मम्मा को सबसे पहले ये चीज बताई एंड शी वॉज सो हैप्पी, बिकॉज मेरी मॉम को पता था कि मुझे कैसे रिश्ते आ रहे थे, एंड यू नो मोस्टली जैसे आपने एक वीडियो में भी बोला था कि लिटरेसी रेट कम है, एंड आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अ पर्सन हु इज थोड़ा बहुत एजुकेटेड एंड थोड़ा बहुत अच्छा खासा कमा लेता हो, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो वो मिल ही नहीं रहा था मुझे, ठीक है. और तो नाउ माई फिर मेरी मम्मी ने ऑफकोर्स मेरे पापा को बोला, ही वॉज ऑल्सो सो हैप्पी, एंड बेसिकली यू नो वॉट यू हैव डन साहिल, आपने अपने फैमिली को वापस से रीयूनाइट कर दिया था, एक जो इनविजिबल जो वॉल थी जो इस्लाम ने क्रिएट किया था, हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल थी, आपने उस चीज को आपने हटा के गिरा दिया, एंड यू हैव गिफ्टेड मी माय पेरेंट्स एंड यू हैव गिफ्टेड माय पेरेंट्स देयर डॉटर. थैंक यू. सो दे वर सो हैप्पी. ओके नंदन गावड़ा जी कह रहे हैं, साहिल भाई आफ्टर लिसनिंग टू टीना बहन की स्टोरी, आई थिंक 10 इयर्स डाउन द लाइन ऑल योर एक्स मुस्लिम्स विल बी कंसीडर्ड एज ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ आवर टाइम, बाय द वे यू आर द मोस्ट लव्ड मैरिज ब्रेकर. साइना जी कह रहे हैं, साहिल भैया नॉट अगेंस्ट इस्लाम, मुस्लिम शरिया कट्टरपंथी, नेक्स्ट जनरेशन पे असर नहीं पड़ना चाहिए, मुस्लिम्स और उनकी सोच को मॉडरेट बनाओ. बिल्कुल आई अग्री विथ यू. और डीजे रिमिक्स सॉन्ग हिंदी जी ने 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया. सनातनी भारतीय कह रहे हैं, कूडोस टू साहिल भाई, ही सेव आवर वन सिस्टर, यस शी इज सेव्ड. और इसके अलावा और भी लोगों ने सुपर चैट्स भेजे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए. अमित जी ने $3 का सुपर चैट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया. सीताराम दास कह रहे हैं, मुन्ना भाई कुछ तो बोलो भाई, अभी आप चुप रहेंगे तो कैसा चले. मुन्ना भाई से भी बोलने कराएंगे ओवरऑल, और एक्स मुस्लिम एंजल जी से भी, एडम से भी, और उसके बाद अपोस्टेट इमाम है, इनसे भी हम पूछेंगे कि स्टोरी पूरी कैसी थी और फाइनली जब टीना जी बाहर आई तो फिर अब क्या इनका सोचना है. धीरज कुमार जी कह रहे हैं, साहिल भाई मोमिनों की बंदियां छीनते हो. मोमिनों की बंदियां छीनते हो. भाई वो कभी भी मोमिन थी नहीं, बीच में थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो गई थी बेचारी, भटक गई थी, तो हाँ. वो हमने वापस ले आए गए से पहले कि मोमिन छीन ले. तो ये वो कहावत है ना कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आए तो उसको भूला नहीं कहते. माशाल्लाह तो बिल्कुल ये फिट होती है. एडवोकेट किशोर पुरी जी ने 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, कह रहे हैं नाउ शी इज मच इंटरेस्टेड विद साहिल भाई. यार ऐसे सब मत कहो यार. मनिक जी ने 20 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत शुक्रिया. ऑप्टिमम कह रहे हैं एडम लाला और मुन्ना भाई इज गुड मैच.
बहुत शुक्रिया सर आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का। और जितने लोग देख रहे हैं मिर्जा गालिब के चैनल, हमारे जो मॉडरेटर है कृष्णा आर3, ये लाइन बाय लाइन सबके चैनल के लिंक अभी शेयर करेंगे, एडम का और साजिद भाई का, मुन्ना भाई का और एंजल जी का। आप लोग प्लीज सभी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सनातन सिख कह रहे हैं मौलाना अली कादरी है वो मुर्तद वाला वो तो भाई उसका बीपी शूट होके मर जाएगा बंदा फिर तो, अगर उनके साथ अगर मैं ऐसा मामला करता तो। खैर भाग गया था हाँ, दो बार मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ ये मुर्तद बैठे मैं जा रहा हूँ बाप रे बाप कोई भी राहुल अमीन डंगर नहीं हूँ यार। ओके सो टीना जी की ये पूरी स्टोरी थी। सबसे पहले मैं एडम से शुरू करूंगा कि एडम क्या मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि इतना सब कुछ हो गया और फाइनली उन्होंने हमारी वीडियो देखी और उसके बाद फिर वो बाहर आ गई। सो व्हाट यू हैव टू से, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है यू नो दैट कि सबसे पहले तो जो ये हमारी वीडियो, पहले जाकिर नाइक की वीडियो देख के इस्लाम कबूल किया अगर आप देखें तो, और फाइनली हमारी वीडियो देख के बाहर निकली। सो उसके बीच में इनका बहुत ज्यादा सफर है जिसमें इन्होंने अपनी फैमिली के साथ कुछ इनका रहा, फिर उसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा शराबी और फिर उन्होंने कपड़े भी चेंज किए अपने, फिर उन्होंने अपना लिविंग स्टाइल भी चेंज किया, येट जब हमारी वीडियोस देखी तो बाहर निकल गई। इट मींस कि जो हम दिखा रहे हैं विद कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंसेस विद एवरीथिंग इट मेक सेंस। अगर आप ओपन दिमाग से देखेंगे इट डेफिनेटली मेक सेंस। और हमारा तो ओपन चैलेंज है सबको, हम जब भी लाइव जाते हैं, आप भी जब जाते हैं, मैं भी जब जाता हूँ, हम ओपन स्ट्रीम करते हैं, चैनल का लिंक हमने लाइव स्ट्रीम रखा होता है। तो ये जो बड़े बड़े मुफ्तीहान हैं, ये जो आलिम दीन हैं, ये जो स्कॉलर्स हैं, किधर बैठे हुए हैं, ये अपने बच्चे क्यों भेजते हैं? तो ये जितने भी बच्चे हैं मुसलमान जो कि उनको मस्जिदों में भी चंदा दे रहे हैं, उनको हदिया भी दे रहे हैं, उनको खुम्स भी अदा कर रहे हैं, ठीक है, जो सैयद ज़ादे होते हैं अगर वो गरीब हों तो उनको तो आप ज़कात दे नहीं सकते, उनको तो आप सदका दे नहीं सकते, उनको तो आपने खुम्स के पैसे देने हैं, ठीक है, जो फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ है, ठीक है, आपने वो देना है। और बूटी तो आजकल है नहीं, वॉर बूटी तो है नहीं, तो क्योंकि आपकी वॉर नहीं हो रही और बूटी आपको मिल नहीं रही तो उसमें तो फिफ्थ नहीं मिल सकता, तो आप अपनी कमाई में से 5% दे रहे हैं ना यार। बूटी अभी सुनते हैं तो फिर वो दिमाग दूसरी बूटी पे जाता है। नहीं नहीं वो वाली बूटी नहीं, अंग्रेजी वाली बूटी की बात कर रहा हूँ नहीं वो बूटी की बात नहीं हो रही, हेलो हेलो वो पैसे जाके ये लोग सैयदजादों को दे देते हैं। तो वो जो सैयदजादे हैं जिन्होंने सपोजिटली जिनका काम है कि दीन को फैलाना, दीन को सीखना, आप जो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ठीक है, जब कहते हैं ये बात क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने उनकी आल तक पे सलाम भेज रहे हैं, ठीक है। अब आल आले नबी जो है वो सिर्फ फातिमा हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन पे खत्म नहीं होती ना, उसके बाद भी आल चल रही है आपकी, ठीक है। तो वो वही सैयदजादे हैं, राइट, तो वो जो सैयदजादे हैं उनको सलामती भी भेज रहे हैं, रोज उनके लिए दुआएं भी मांग रहे हैं, उसके अलावा वो उनको खुम्स में पैसे भी दे रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ पैसे भी दे रहे हैं, ज़कात भी नहीं दे सकते आप, सदका भी नहीं दे सकते, इतना सारा कुछ आप कर रहे हैं, तो ये सारे सैयदजादे कहाँ हैं, ये क्यों नहीं आते हमारे पास, हमारे साथ डिबेट क्यों करते, हमें हराते क्यों नहीं, हम इनके चैनल पे क्यों जाएं, क्यों जाएं भाई भाई हम भाई, मैं तो कभी नहीं कहता मुझे सवाल है, मैं तो कहता हूँ भाई इस्लाम में ये सुराख है, मैं सिर्फ सर्च लाइट मार रहा हूँ सुराखों पे और आपको दिखा रहा हूँ ये सुराख है, ये छाननी है जो आपने लाइट बंद कर दी है, लोगों को दिखा नहीं रहे, लोगों को प्लेट दिखा रहे हैं, असल में प्लेट नहीं है छाननी है, मैं तो लाइट उस पर मारता हूँ सुराख नजर आ जाते हैं। तो भाई कम टेल अस कि ये सुराख नहीं है, इन सुराखों को बंद करें, नहीं तो इस्लाम बड़ी जल्दी इसी तरीके से खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा YouTube की वजह से और हम लोगों के कामों की वजह से, इट विल एंड। राइट, फ्री माइंड जी का एक मस्त सुपर चैट आया है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे टीना कहते हैं क्या बात है सर, इसमें शेर बन शायर हो गए प्लीज कंटिन्यू सर भी आगे कह रहे टीना जी आप पर एडम अबू एंड साहिल चाचू का और तमाम एक्स मुस्लिम का दरूद और सलाम, मुफ्तियों की खाल में इतना ज्यादा नमक फिर भी ये नहीं आते थैंक यू प्लीज कंटिन्यू सर। ऑप्टिमस जी कह रहे हाउ कम हिजाब और बुरखा रिफर्ड एज प्रोग्रेसिव, इसको हम कवर करेंगे किसी दिन। yes,